नमस्कार, फंडू मनी में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे इंटरनेशनल फंड्स के बारे में, क्यों ये सही समय है आपको इंटरनेशनल फंड्स की तरफ देखने के लिए, अगर आपने इंटरनेशनल फंड्स में अभी तक निवेश नहीं किया, और इसका कारण मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त इक्विटी मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स में भारत के इक्विटी मार्केट्स या भारतीय स्टॉक मार्केट्स में ज़बरदस्त गेन हुआ है, छलांग लगी है, और 2020 से लेके अब तक जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ज़बरदस्त गेन हुआ है, और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2022 में काफ़ी उथल पुथल रहेगी, अस्थिर मार्केट रह सकती है, करेक्शन भी हो सकता है कभी कभी, और अपर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। तो ऐसी मार्केट की स्थिति में, अस्थिर मार्केट्स में रिटर्न्स को स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आपने अच्छा गेन किया है और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आप गेन करते रहें, आपके रिटर्न्स ठीक ठाक बने रहें, तो स्टेबिलिटी के लिए और रिस्क को मैनेज करने के लिए, जो कि वोलेटाइल मार्केट्स में आती हैं, उसके लिए आपको इंटरनेशनल फंड्स की तरफ देखना है, ऐसा हमारा मानना है। तो यहाँ पे हम चर्चा क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि इंटरनेशनल फंड्स आपको कौन से बेनिफिट्स देते हैं, कौन से लाभ आपको मिलते हैं, उनके किस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो इंटरनेशनल फंड्स हैं उनके बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें करेंगे इंटरनेशनल फंड्स के बारे में, स्पेशली उनके रिस्क के बारे में, क्योंकि ये एक रिस्क मिटिगेशन टूल, रिस्क को मैनेज करने के लिए कर रहे हैं, इंटरनेशनल फंड में निवेश कर रहे हैं, पर इंटरनेशनल फंड्स में भी रिस्क होते हैं, और साथ साथ हम कुछ और छोटे छोटे महत्वपूर्ण बातें आपको इंटरनेशनल फंड्स के बारे में बताएंगे। तो हम डिटेल्स को लेके आ रहे हैं बस थोड़ी देर में। नमस्कार, फंडू मनी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं इंटरनेशनल फंड्स के बारे में, क्यों ये सही समय है आपको इंटरनेशनल फंड्स की तरफ देखने के लिए, क्यों आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एक इंटरनेशनल फंड्स के लिए जगह तो बनानी ही पड़ेगी इस साल में, जब पिछले कई महीनों से मार्केट्स में ज़बरदस्त चढ़ाव रहा है, लोगों को फ़ायदा हुआ है, और इस साल आपको एक स्टेबल रिटर्न की आपको फिर से चाहिए होगा, और ये उम्मीद की जा रही है कि मार्केट में इस साल उथल पुथल होगी, और स्टेबल रिटर्न्स के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, जब आप रिस्क मैनेज करते हैं, अलग अलग जगह में आप निवेश करके रिस्क को कंट्रोल करते हैं, और क्योंकि अलग अलग निवेश के विकल्पों में के रिस्क अलग अलग होते हैं, और तो आप ये उम्मीद लगाते हैं कि अलग अलग जगह में निवेश करने की वजह से एक आध जगह में अगर उथल पुथल हो जाती है तो दूसरे जो आपके विकल्प हैं वो आपके रिटर्न्स में स्थिरता लाएंगे। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले चलिए चर्चा करते हैं कि इनके इंटरनेशनल फंड्स के फ़ायदे क्या होते हैं, क्या माने जाते हैं, और सबसे पहला ये है जो कि हमने कहा कि इसका रिस्क मैनेजमेंट टूल है, रिस्क मैनेजमेंट अल्टरनेटिव है। तो आप भारतीय इक्विटी फंड्स या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में निवेश करते रहे होंगे, और मान लीजिए भारत की इक्विटी मार्केट्स में उतार चढ़ाव आते हैं, उथल पुथल होता है, तो आप विदेशी मार्केट्स में निवेश करके, विदेशी मार्केट्स की इक्विटी मार्केट्स में निवेश करके इस रिस्क, भारतीय मार्केट से जो उत्पन्न होने वाले जो जोखिम है, रिस्क है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर इंटरनेशनल फंड्स होता है तो ये डाइवर्सिफिकेशन रिस्क का एक दूसरा स्रोत होता है। तो ये उम्मीद लगाई जाती है कि हर वक्त किसी भी वक्त हर जगह में, हर विकल्प में वो उथल पुथल या वो अस्थिरता नहीं होगी, तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन टूल है। इसके अलावा जैसे कि हमने कहा, डाइवर्सिफाई जब करते हैं तो आपकी जो ओवर पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं आपके जितने भी निवेश किए हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, उसके बाहर वो ओवरऑल जो आपका सालाना रिटर्न होता है उसमें एक स्थिरता लाने का एक रोल प्ले करता है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन होता है, एक तो है अलग एक अलग विकल्प में आपने जब आप करते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो,
गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो, उसके वजह से आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है जब डाइवर्सिफाई करते हैं। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मतलब भूगोलिक डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, तो भारतीय मार्केट से जो आपको जो जोखिम मिलता है उसको आप दूसरे मार्केट्स में निवेश करके आप उस रिस्क को कंट्रोल में ला रहे हैं। और गुड न्यूज़ इंटरनेशनल फंड्स ये है, ये देती है आपको कि यहाँ पे फंड मैनेजर्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। तो मान लीजिए आपको अमेरिका या यूरोप के मार्केट्स में निवेश करने के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही कम पैसे निवेश करके उन मार्केट्स का लाभ उठा सकते हैं। आपको ज़बरदस्त स्किल की ज़रूरत नहीं है और नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिसिप्लिन तरीके से निवेश करना है। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग थीम्स में आप निवेश कर सकते हैं, चाहे वो सबसे बड़े टेक कंपनीज हों अमेरिका में, चाहे हेल्थ केयर कंपनीज हों यूरोप में, आप सब जगह निवेश कर सकते हैं। आप बशर्ते ये कि आपका इंटरनेशनल फंड उन इलाकों में और उन सेक्टर्स या उन थीम्स में निवेश कर सकते हैं, करने का फोकस है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो आपको मिलते हैं। इसके अलावा आखिरकार एक जब आप किसी कंट्री विशेष, किसी देश विशेष में निवेश करते हैं तो उसकी करेंसी के फ्लक्चुएशन के साथ आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का लिंक रहता है। तो मान लीजिए भारतीय रुपए में अगर दबाव बढ़ जाता है, तेल के दाम बढ़ गए और भारतीय रुपए में दबाव बढ़ गया तो और रुपए के मूल्य में कमी आई तो आयात जो होता है, जो कंपनी आयात का ज़्यादा करके उत्पादन करती हैं उन पे असर पड़ा और इसके वजह से उनके स्टॉक्स पे असर पड़ा और जाहिर है आपके रिटर्न्स पे असर पड़ा। तो अगर ऐसी स्थिति को आपको ऐसी स्थिति को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल फंड से आप करेंसी, होम करेंसी जो है उसके से जो से जुड़े हुए रिस्क उसको आप कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो रहे कुछ लाभ जो आपको इंटरनेशनल फंड से मिलते हैं। अब सवाल ये है कि इसकी कैटेगरीज क्या हैं, कितने तरह के होते हैं, क्योंकि हैं इसके अलग अलग, आप जैसे ढूंढने जाएंगे तो आप अलग अलग इंटरनेशनल फंड्स के कैटेगरीज पाएंगे। तो सबसे पहला तो वो है जो कि ग्लोबल फंड्स हैं, वो दुनिया भर निवेश करते हैं, अलग अलग सेक्टर में करते हैं, तो उनका कोई खास फोकस नहीं रहता, पर डाइवर्सिफाइड ग्लोबली और सेक्टर वाइज भी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड रहते हैं। दूसरा ये है कि जो रीजन, किसी रीजन किसी इलाके में कुछ किसी क्षेत्र में निवेश करते हैं, चाहे वो पूर्व एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, तो ये रीजनल फंड्स होते हैं। इसके अलावा कंट्री स्पेसिफिक फंड्स हो सकते हैं, ऐसे फंड्स हो सकते हैं जो आपके पूर्व एशिया या मान लीजिए चाइना या अमेरिका में फोकस कर रहे हैं या उत्तरी अमेरिका के देशों में फोकस कर रहे हैं, तो कुछ कंट्री स्पेसिफिक फंड्स हो सकते हैं। इसके अलावा सेक्टर फंड्स हो सकते हैं, ग्लोबल सेक्टर फंड्स हो सकते हैं। मान लीजिए हेल्थ केयर हो गया तो हेल्थ केयर स्टॉक्स पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे वो निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो एक तरह के एक कैटेगरीज होंगे ग्लोबल फंड्स और इंटरनेशनल फंड्स के। इसके अलावा थीम्स और कमोडिटीज़ में निवेश कर सकते हैं, तो चाहे वो एनर्जी हुई, चाहे वो धातु हुए, प्लैटिनम हो गया आपके, सोना, चांदी, कॉपर, तांबा, तो इसके अलावा इस तरीके से धातु में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा थीम्स में हो सकता है, टेक का थीम हो गया है, आपके ब्लॉकचेन का थीम हो सकता है, तो अलग अलग थीम्स, अलग अलग कमोडिटीज़ के ऊपर भी इंटरनेशनल फंड्स होते हैं। इसके अलावा फीडर फंड्स होते हैं जो आपसे, आप और हम जैसे निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके एक और अंतर्राष्ट्रीय फंड में निवेश किया तो उसका थीम हो सकता है, उसको ग्लोबली डाइवर्सिफाइड हो सकता है, तो इन्हें फंड ऑफ फंड्स भी कहा जाता है। तो ये फंड एक और म्यूचुअल फंड में, अंतर्राष्ट्रीय म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। इसके अलावा आपका रेगुलर म्यूचुअल फंड भी हो सकता है जो आपको आपके भारतीय इक्विटीज में निवेश के साथ साथ
अंतर्राष्ट्रीय इक्विटीज में भी निवेश करते हैं। तो ये तो हो गए कैटेगरीज, आपने आपको लाभों के लाभ के बारे में बता दिया। चलिए अब बात करते हैं जोखिम के बारे में। तो सबसे पहले भारतीय इकोनॉमी या भारतीय आर्थिक तंत्र जो है, अर्थव्यवस्था है, वहाँ से जो जोखिम है उससे दूर होने के लिए, उससे जोखिम को कंट्रोल में करने के लिए आपने इंटरनेशनल फंड्स में निवेश किया, ताकि विदेशों में निवेश करके जोखिम को कंट्रोल में करें। पर ऐसा भी हो सकता है, और ये रिस्क अपनी जगह है, कि विदेशों में जहाँ जहाँ आपने आपके फंड ने निवेश किया वहाँ पर के मार्केट्स या वहाँ की इकोनॉमी में भी रिस्क बना, कोई या तो वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो गई, कोई घटना घट गई, कुछ बात हो गई जिसके वजह से वो जोखिम आपके पास आ गया, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक जोखिम होते हैं, चाहे वो पूर्व एशिया हो, खाड़ी के देश हो, पूर्वी यूरोप हो, अगर कोई राजनीतिक टेंशन होती है, राजनीतिक अस्थिरता होती है, उसका असर आपके निवेश में पड़ सकता है। इसके अलावा अगर जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जितना एक देश के ऊपर, एक कमोडिटी के ऊपर, एक सेक्टर के ऊपर फोकस होगा, उसमें उसका इंटरनेशनल फंड का रिस्क उतना ज़्यादा होता है। अगर जितना फैला हुआ होगा उतना कम रिस्क होगा, और उतने उतार चढ़ाव के चांसेस आपके आप कम कर रहे हैं। इसके अलावा उस किसी मार्केट विशेष में अगर कुछ डेवलपमेंट होती है, घटना घटती है, तो फिर वहाँ पर उसका असर ज़रूर पड़ेगा। मान लीजिए अमरीकी मार्केट में आपका इंटरनेशनल फंड निवेश करता है, और अमरीकी फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक कोई पॉलिसी निकालती है जिसकी वजह से वहाँ के मार्केट में उथल पुथल होता है, तो जाहिर है इसका असर आपके निवेश पर ज़रूर पड़ेगा। इसके अलावा जैसे हमने भारत के करेंसी रुपये के मूल्य के ऊपर बताया कि उस वहाँ से जुड़े हुए रिस्क या जोखिम, उसी तरीके से जिन जिन देशों में आपका निवेश हो रहा है वहाँ वहाँ उनकी करेंसी में जो अगर उथल पुथल होता है तो आपके निवेश पे असर पड़ेगा। तो अभी आपको एक दो बातें और यहाँ पे देखनी हैं जो जब आप इंटरनेशनल फंड्स में निवेश करते हैं, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो टैक्स से जुड़ी हुई है। याद रखें भारतीय इक्विटीज़, भारतीय शेयर्स में 65% तक अगर निवेश करता है कोई फंड तो उसे इक्विटी फंड माना जाएगा। तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म, मतलब एक साल से कम की अवधि में 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेंस के ऊपर, और एक साल के ऊपर जैसे कि आप जानते हैं 1,00,000 रुपये सालाना तक कोई टैक्स नहीं, उसके ऊपर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता है। तो ये तो तब होगा जो कि हमने कैटेगरी बताई थी कि भारत के इक्विटीज़ में भी निवेश हो रहा है और इंटरनेशनल इक्विटीज़ में भी निवेश हो रहा है, ये उन जैसे फंड्स के लिए रेलेवेंट हो जाता है। पर जैसे ही ये भारतीय इक्विटीज़ में 65% से कम हो गया आपका निवेश, और विदेशी निवेश ज़्यादा हो गया, तो वो डेट फंड की तरह टैक्स होगा। इसका मतलब 3 साल से कम की अवधि में कैपिटल गेंस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा, वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, इनकम टैक्स रेट के हिसाब से, रेलिवेंट इनकम टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। 3 साल से ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की बेनिफिट, मुद्रास्फीति इंडेक्सेशन की बेनिफिट, और सूचकांक की बेनिफिट, और उसके ऊपर 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा। अब ये बात बताने लायक बात है कि फंड ऑफ फंड्स जो है, फीडर फंड्स, वहाँ पे वो डेट फंड्स की तरह उनका टैक्सेशन होता है, कैपिटल गेंस टैक्स होता लगता है। तो ये बात आपको ख्याल में रखना है। तो अगर आप फंड ऑफ फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो जाहिर है आपको एक लंबी अवधि की तरफ देखना पड़ेगा इन एनी केस, क्योंकि आप इक्विटीज़ में निवेश कर रहे हैं, इंटरनेशनल फंड्स भी अन्य इक्विटी फंड्स की तरह आपको लॉन्ग टर्म लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, ठीक है। और अगर हाइब्रिड फंड है, मतलब आप वहाँ पर डेट में भी निवेश हो रहा है और भारतीय इक्विटीज़ में भी हो रहा है, इंटरनेशनल भी हो रहा है, तब भी यही रूल लागू होगा। 65% भारतीय इक्विटीज़ में अगर निवेश होता है, भारतीय शेयर्स में निवेश होता है, तो वो इक्विटी फंड्स की तरह टैक्स्ड होंगे। उससे कम जैसे हो गया 65% से कम, तो वो डेट फंड की तरह टैक्स हुए। तो इससे एक बात जाहिर है कि आपको ग्लोबली डाइवर्सिफाइड, किसी अलग अलग देशों में
अलग अलग सेक्टर्स में जहाँ निवेश हो रहा है, ऐसे इंटरनेशनल फंड्स को देखना है जहाँ पे ये फैला हुआ है, डाइवर्सिफाइड है। इससे आप जो रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं भारतीय इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट से, उसको उस गोल को आप पा पाएंगे। इसके अलावा आपको रिस्क जो है, आपको स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और रिस्कोमीटर से जानना है ताकि आपको मालूम चले कि रिस्क कितना है और उस हिसाब से आप निवेश कर सकें। हमें उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़ जाएं हमारे साथ सारे लीडिंग सोशल मीडिया नेटवर्क्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली प्रस्तुति का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।